अगर आप लोगों ने योर नेम, वेदरिंग विद यू और द गार्डन ऑफ वर्ड्स जैसी एनिमे मूवीज देखी हैं, देन आई एम श्योर आपने मोकोटो शिंकाई का नाम तो सुना ही होगा, जो कि इन मूवीज के क्रिएटर यानी डायरेक्टर हैं। इनकी मूवीज में एक अलग तरीके की वाइब होती है, एक अलग ही नशा होता है इनकी मूवी में, जो अगर एक बार कोई बंदा देख ले इनकी मूवी तो ऐसा समझ लो उसे और चाहिए। और इनकी जो भी मूवी आती है वो भी मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जहां मार्वल अपनी मूवीज का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं मोकोटो शिंकाई ने भी एक एनिमे वर्स बना दिया है, जहां वो अपनी लिखी गई, अपनी बनाई गई मूवीज को बड़े पर्दे पे दिखाते हैं एक बड़ी ही यूनिक स्टोरी के साथ। और इन सभी मूवीज में योर नेम उनकी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी रही है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक उनकी कोई भी दूसरी मूवी नहीं तोड़ पाई है। लेकिन ऑडियंस को उससे कोई मतलब नहीं है, ऑडियंस को मतलब है मोकोटो शिंकाई की एक मूवी आनी चाहिए जिस टाइप की वो बनाते हैं, क्योंकि हमें तो बस थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए उनकी एनिमे मूवीज को बड़े पर्दे पे देखने का। और इसीलिए 2022 में मोकोटो शिंकाई की मूवी शिजुमे नो तोजिमारी सबसे हाइप्ड मूवी रही 2022 की, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कब ये रिलीज हो सकती है इंडिया में, जिसमें मैंने अंदाजा लगाया था कि ये कब तक रिलीज हो सकती है। मैंने 2023 में कहा था फरवरी तक शायद ये रिलीज हो जाए, बट नहीं, शायद किसी कारण की वजह से इस मूवी ने ज्यादा टाइम ले लिया। लेकिन अब इसकी ऑफिशियल डेट सामने निकल कर आ चुकी है, ये कब थिएटर्स में आएगी, जो की है 21 अप्रैल 2023। जी बिल्कुल। और इस मूवी को इंडिया में ला रहा है PVR, ठीक वैसे ही जैसे उसने जुजुत्सु काइसेन की जीरो मूवी लाया था। इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, बस अब देखना यह है क्या ये भी जुजुत्सु काइसेन की जीरो मूवी की तरह इंडिया में कुछ नया रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं। इंडिया के साथ ही ये मूवी US, UK, CA इन तीनों में भी रिलीज होगी 14 अप्रैल को, ठीक एक हफ्ता पहले जब इंडिया में ये रिलीज होगी। वेल, PVR ने अभी तक ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये ऑफिशियली नहीं बताया है कि ये इस समय रिलीज हो रही है, इस टाइम पे रिलीज हो रही है या इस डेट पे रिलीज हो रही है। उन्होंने ये अभी तक अपनी वेबसाइट पे ही डाला है बस, तो हो सकता है फ्यूचर में अगर वो चाहें तो डेट चेंज भी हो सकती है। तो ये थी शिजुमे नो तोजिमारी की अपडेट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, नोटिफिकेशन जरूरी है ना। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।